हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फोरियर सीरीज स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फोरियर सीरीज में बेसिकली दो टाइप के सम होते हैं। मींस एक होंगे पाई वाले सम्स और एक होंगे एल वाले सम। पाई की जगह तो पाई होगा, लेकिन एल की जगह कुछ भी हो सकता है। मींस एल में भी एल, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पाई की जगह सिर्फ पाई होगा। अगेन पाई वाला जो टाइप है उसमें फर्दर दो टाइप होते हैं। जो पहली लिमिट होती है स्टैंडर्ड लिमिट, वो होती है 0 to 2 pi। दूसरी लिमिट होती है -π to π। 0 to 2 pi वाले में डायरेक्ट सम स्टार्ट करना है। जो भी फॉर्मूला है उसका अभी जो एक्सप्लेन करेंगे, उस फॉर्मूले के हिसाब से सम स्टार्ट करना है। -π to π में पहले चेक करना है कि जो भी फंक्शन गिवन है वो इवन है, इवन टाइप ऑफ फंक्शन है कि ऑड टाइप ऑफ फंक्शन है कि नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है। सिमिलरली एल वाले टाइप में भी अगेन 0 to 2 L वाला एक टाइप है और एक -L to L वाला टाइप। 0 to 2 L तो 0 to 2 pi के जैसा डायरेक्ट स्टार्ट करना है। -L to L चेक करना है कि फंक्शन इवन है, ऑड है या नाइदर इवन नॉर ऑड है। अब जब भी फंक्शन 0 to 2 pi है, मीन्स क्वेश्चन में क्या है, f(x) = something कुछ ना कुछ दिया रहता है और साइड में यहाँ लिखा रहता है कि लिमिट क्या है। अब अगर बाई चांस लिमिट 0 to 2 pi है, ठीक है, अच्छा लिमिट लिखने का भी एक तरीका होता है। मीन्स ये है 0 to 2 pi, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, x इज इन बिटवीन 0 to 2 pi। मीन्स x क्या है, 0 to 2 pi के बीच में है, ठीक है। अब f(x) गिवन रहेगा और लिखा रहेगा फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ f(x) = something एट जो भी लिमिट दी है 0 to 2 pi -π to π 0 to 2 L -L to L। अच्छा 0 to 2 L -L to L में क्या होता है, 0 to 6, 0 to 3, ठीक है, -3 to 3, -L to L में -3 to 3, -2 to 2, -1 to 1 या -L to L भी रहता है। सो पहला फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। पहले पाई वाले टॉपिक में जाते हैं। पाई में जो सबसे पहला है वो है 0 to 2 pi। 0 to 2 pi, अब जब फंक्शन ऑफ x जो क्वेश्चन में गिवन है और लिमिट दी है 0 to 2 pi, तो डायरेक्ट फोरियर सीरीज लिखना है। फोरियर सीरीज इज गिवन बाय f(x) = a0 + summation of an cos nx + summation of bn sin nx, ठीक है, ये है अपनी फोरियर सीरीज। अब इसमें से ये जो a0, an और bn है, ठीक है, इसके अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, जो समेशन है, ठीक है, समेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स। समेशन की लिमिट होती है, मीन्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ तक करना है, तो इस समेशन की लिमिट है n = 1 to infinity। सेम है n = 1 to infinity, मीन्स फोरियर में जहाँ पे भी समेशन है फोरियर सीरीज में, ठीक है, नॉर्मल फोरियर सीरीज में n = 1 to infinity है समेशन की लिमिट। क्या है मीन्स यहाँ पे n की एक एक वैल्यू पुट करना है। मीन्स n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे बनेगा a1 cos 1x, 2 पुट करेंगे a2 + cos 2x, मीन्स यहाँ आएगा a1 cos 1x + a2 cos 2x + a3 cos 3x + so on till infinity। ए जीरो का फॉर्मूला 1/2π ∫0 to 2π। ये लिमिट कहाँ से आई, ये जो सम में दी हुई थी वो लिमिट है f(x) dx। ये हो गया ए जीरो का फॉर्मूला। ए एन का फॉर्मूला है 1/π ओनली। इंटीग्रेशन सेम सम है, मीन सेम लिमिट आएगी 0 to 2π। f(x) ए एन के साथ हमेशा कॉस वाला टर्म रहता है, मीन्स यहाँ पे भी क्या आएगा, cos nx dx। bn का फॉर्मूला सिमिलर टू ए एन, लेकिन bn के साथ कौन रहता है हमेशा, साइन। सिमिलर मीन्स बाहर 1/π ∫0 to 2π, तो ये भी सेम f(x) तक, यहाँ तक सेम, इंटू साइन
एन एक्स डी एक्स, ठीक है, हो गया ए जीरो ए एन और बी एन का फॉर्मूला। कब? जब जीरो टू टू पाई लिमिट रहेगी। सेम पाई वाले सम में अगर लिमिट आती है माइनस पाई टू पाई, तो सबसे पहले फंक्शन को चेक करना है, जो भी गिवन है क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स, उसको चेक करना है कि वो इवन है कि ऑड है। अगर फंक्शन इवन आ गया, मीन्स फंक्शन क्या मिला इवन, तो उसकी जो फोरियर सीरीज होगी उसकी लिमिट चेंज हो जाएगी। मीन्स क्वेश्चन में गिवन है माइनस पाई टू पाई, लेकिन अगर फंक्शन इवन आया तो उसकी लिमिट हो जाएगी जीरो टू पाई, और जो सीरीज में ए जीरो एन बी एन रहता है उसमें से बी एन वाला पार्ट हो जाएगा जीरो। तो फोरियर सीरीज क्या बचेगी? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस समेशन ऑफ ए एन कॉस एन एक्स। ए जीरो का फॉर्मूला, बी एन जीरो हो गया इसलिए यहाँ बी एन नहीं आया, ए जीरो का फॉर्मूला वन बाय पाई इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या डालना है, मीन्स कभी कभी क्या प्रॉब्लम होता है, इंटीग्रेशन की लिमिट जीरो टू टू पाई से ही सॉल्व कर देते हैं हर एक सम, या फिर सम में देखे क्वेश्चन में दिया है माइनस पाई टू पाई तो माइनस पाई टू पाई डाल के सॉल्व किया। ध्यान रखना है माइनस पाई टू पाई में अगर फंक्शन इवन आया तो लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी जीरो टू पाई। तो ये बनेगा जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा टू बाय पाई, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई, लिमिट याद रखना, ठीक है। एफ ऑफ एक्स ए एन के साथ हमेशा कौन रहता है, कॉस एन एक्स डी एक्स। अभी ये हो गया इवन के लिए। नेक्स्ट अगेन पाई वाले टॉपिक में अगर माइनस पाई टू पाई लिमिट दी हुई है, तुमने एफ ऑफ एक्स फाइंड किए, वो मिल गया तुमको ऑड, कौन सा फंक्शन मिला ऑड, अगेन इसकी लिमिट चेंज होके बन जाएगी जीरो टू पाई। क्या बन जाएगी? जीरो टू पाई। इस वाले फंक्शन में ए जीरो की वैल्यू भी जीरो हो जाती है और ए एन भी क्या हो जाता है जीरो। जब ए जीरो ए एन बी एन में से ए जीरो और ए एन जीरो हो गया तो फोरियर सीरीज में फिर बचा क्या, समेशन ऑफ बी एन, बी एन के साथ क्या रहता है साइन एन एक्स, लिमिट एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी। देन लास्ट बी एन का फॉर्मूला, ए एन के जैसा ए एन था और इवन वाले में टू बाय पाई, इंटीग्रेशन की लिमिट ध्यान रखना जीरो टू पाई में कन्वर्ट हो गई है, माइनस पाई टू पाई नहीं है। एफ ऑफ एक्स बी एन के साथ हमेशा आता है साइन एन एक्स डी एक्स। अब आते हैं एल वाले टाइप, एल मतलब वन टू थ्री फोर कोई कांस्टेंट ए बी सी डी या खुद एल। एल वाले में अगर जीरो टू टू एल आता है, ठीक है, जीरो टू थ्री जीरो टू फोर, ठीक है, तो एल की वैल्यू निकालना है, ठीक है, कैसे वो सम में देखेंगे, एल की वैल्यू निकालना है और डायरेक्ट सम स्टार्ट करना है, इसमें कुछ इवन और चेक नहीं करना है। डायरेक्ट सम स्टार्ट होगा तो फोरियर सीरीज होगी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस समेशन ऑफ ए एन कॉस, इतना पार्ट सेम है, ठीक है। एल वाले सम को अगर याद रखना है, ठीक है, पाई वाला फॉर्मूला अगर याद हो गया है तो जहाँ जहाँ पाई था वहाँ पे तुमको सब्सटीट्यूट कर देना है एल, ठीक है, जहाँ जहाँ पाई है वहाँ क्या सब्सटीट्यूट करना है तुमको एल, और जहाँ जहाँ वहाँ पे एन एक्स था कॉस एन एक्स साइन एन एक्स वहाँ पे पुट कर देना एन पाई एक्स अपॉन एल। वापस रिपीट करते हैं, जहाँ जहाँ पाई है वो एल में कन्वर्ट हो जाएगा और जहाँ जहाँ एन एक्स था वो बन जाएगा एन पाई एक्स अपॉन एल। सो जो फॉर्मूला था ए जीरो प्लस समेशन ऑफ ए एन कॉस एन एक्स था वहाँ पे पाई वाले सम में, यहाँ हो जाएगा एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस समेशन ऑफ बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन। चीज ध्यान देना, ये जो सिर्फ थीटा की जगह पे, मतलब होल डिवाइड बाय नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये सिर्फ थीटा की जगह पे। अब अगेन ए जीरो का फॉर्मूला पाई वाले सम में था वन अपॉइंट टू पाई, यहाँ जगह वन अपॉइंट टू एल, पाई की जगह क्या पुट किए एल,
इंटीग्रेशन 0 टू 2 एल, क्योंकि सम में दिया हुआ रहेगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक चीज में से समेशन की लिमिट हो गई एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, अगेन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। देन ए एन का फॉर्मूला है 1 बाय एल इंटीग्रेशन 0 टू 2 एल एफ ऑफ एक्स, ए एन के साथ रहेगा कॉस, वहाँ पे एन एक्स था, यहाँ पे हो जाएगा एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। लास्ट बी एन का फॉर्मूला ए एन के जैसा 1 बाय एल इंटीग्रेशन 0 टू 2 एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। अब अगर सम में, अगेन एल वाले ही सम है, लिमिट है माइनस एल टू एल वाली, माइनस एल टू एल है, जैसे माइनस पाई टू पाई है, तो उसमें पहले एफ ऑफ एक्स चेक करना होता है कि इवन है कि ऑड है कि नाइदर इवन नॉर ऑड है। ठीक है, अगर फंक्शन इवन आ गया, फंक्शन क्या आया इवन, तो अगेन वही लिमिट चेंज होके बनेगी जीरो टू एल, वहां माइनस पाई टू पाई से कन्वर्ट हो गई थी जीरो टू पाई, यहाँ माइनस एल टू एल से कन्वर्ट हो जाएगी जीरो टू एल, सेम बी एन विल बी जीरो। सो फोरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू ए जीरो प्लस समेशन ऑफ ए एन कॉस, एल वाला सम है इसलिए एन पाई एक्स अपॉन एल, समेशन की लिमिट एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी। ए जीरो का फॉर्मूला वहां था वन अपॉन पाए, यहाँ हो जाएगा वन अपॉन एल इंटीग्रेशन, लिमिट ध्यान रखना जीरो टू एल, इवन के बाद कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ आएगा जीरो टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा टू बाय एल इंटीग्रेशन जीरो टू एल एफ ऑफ एक्स, ए एन के साथ हमेशा कॉस एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स। अगेन एल वाला सम, एल वाले सम में क्या है कि अगर माइनस एल टू एल गिवन है तो, और तुमको सम मिल गया है ऑड, जो तुम्हारा फंक्शन है वो क्या मिल गया है ऑड, सबसे पहला काम जीरो टू एल, लिमिट चेंज हो जाएगी वो बन जाएगी जीरो टू एल, इसमें ए जीरो भी जीरो एंड ए एन भी जीरो, जैसे माइनस पाई टू पाई में वैसी सेम, सिर्फ फोरियर सीरीज में एफ ऑफ एक्स क्या बचेगा, समेशन ऑफ बी एन साइन, वहाँ एन एक्स होता है, यहाँ पे आएगा एन पाई एक्स अपॉन एल, एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी। बी एन का फॉर्मूला हो जाएगा टू बाय एल इंटीग्रेशन जीरो टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। ओके, अब कौन कौन सी टाइप हो गई, जीरो टू टू पाई, जीरो टू टू एल, माइनस पाई टू पाई, माइनस एल टू एल, लेकिन माइनस पाई टू पाई माइनस एल टू एल में, मीन्स अगर ये पाई वाला सम लेते हैं और माइनस पाई टू पाई, अब जब तुमने चेक किए जो फंक्शन था वो ना इवन है ना ऑड है, मीन्स किस में आ जाएगा कैटेगरी में, नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड में लिमिट सेम रहने वाली है, जो है वही लिमिट रहेगी और कुछ भी जीरो नहीं होगा, मीन्स ए जीरो ए एन बी एन कुछ भी जीरो नहीं होगा, पूरी के पूरी फोरियर सीरीज रहेगी, मीन्स ए जीरो प्लस समेशन ऑफ ए एन कॉस, पाई वाला सम है इसलिए एन एक्स, ये याद रखें, प्लस समेशन ऑफ बी एन साइन एन एक्स, एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी, एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी। फिर ए जीरो का फॉर्मूला, ए जीरो का फॉर्मूला क्या है, वन बाय टू पाई, अच्छा ये फॉर्मूला पूरा जीरो टू टू पाई वाला जो है उसके जैसा है, सिर्फ लिमिट जो है इंटीग्रेशन की वो हो जाएगी माइनस पाई टू पाई, बाकी सारी चीज़ें यहाँ सेम रहने वाली है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी सेम कॉपी होगा। ए एन का फॉर्मूला वहाँ पे था वन बाय पाई, अगेन सेम वन बाय पाई, इंटीग्रेशन की लिमिट सिर्फ हो जाएगी माइनस पाई टू पाई, वहाँ थी जीरो टू टू पाई कि यहाँ पे गिवन था, और माइनस पाई टू पाई में अगर इवन आउट कुछ भी नहीं मिला तो अपने को सेम जीरो टू टू पाई वाली सारी चीज़ें करना है, सिर्फ लिमिट में ध्यान रखना है माइनस पाई टू पाई रहेगा। एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, एन एक्स क्यों आया, क्योंकि पाई वाला था। बी एन का फॉर्मूला वन बाय पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई
एफ ऑफ एक्स, बी एन के साथ हमेशा साइन आएगा, एन एक्स क्यों आया, क्योंकि पाई वाला समय डी एक्स, यानी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लास्ट एल वाले सब में अगेन माइनस एल टू एल मिला अगर तो, और अगर फंक्शन तुम्हारा ना इवन है ना ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड है, लिमिट सेम रहेगी माइनस एल टू एल, ए जीरो एन बी एन तीनों के तीनों प्रेजेंट रहेंगे, तो सीरीज क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस समेशन ऑफ ए एन कॉस, एल वाला है इसके लिए ध्यान रखना है एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस समेशन ऑफ बी एन साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल। मीन्स फिर ए जीरो का फॉर्मूला वन अपॉन टू एल इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल, ठीक है, जैसे जीरो टू ट्वेल्व वाला सम था यहाँ पे माइनस जीरो टू ट्वेल्व था, यहाँ पे सम में माइनस एल टू एल है तो माइनस एल टू एल, बाकी पूरा फॉर्मूला जीरो टू ट्वेल्व जैसा। एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए एन का फॉर्मूला है वन अपॉन एल, ठीक है, वन अपॉन एल इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल, एफ ऑफ एक्स ए एन के साथ हमेशा आता है कॉस एन एक्स डी एक्स। ए एन के लिए ये फॉर्मूला हो गया, अब आया बी एन, बी एन इक्वल टू वन अपॉन एल इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल, एफ ऑफ एक्स बी एन के साथ हमेशा साइन आता है, ठीक है साइन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एन एक्स, सम कौन सा है एल वाला, ठीक है, तो ये सही है कि गलत, ये गलत है, ठीक है, जब भी एल वाला सम आएगा यहाँ एन एक्स नहीं आएगा, ठीक है, पेपर में भी आपको ये क्लिक होना चाहिए, ये कॉस एन एक्स नहीं आ सकता, एन एक्स कब आएगा जब पाई वाला है, अगर एल वाला सम है तो यहाँ क्या आएगा एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है एन पाई एक्स अपॉन एल, ये याद रखना, ठीक है, तो सेम यहाँ पे क्या आने वाला है साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, ठीक है। अभी फोरियर में कुछ बेसिक चीजें यूज होगी जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रेफर कर सकते हैं। इंटीग्रेशन यू इंटू वी, ठीक है, फाइंड करने का जो चेन रूल है वो है यू इन फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस डेरिवेटिव ऑफ यू डबल टाइम इंटीग्रेशन ऑफ वी प्लस डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ यू ट्रिपल टाइम इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस ट्रिपल टाइम डेरिवेटिव ऑफ यू फोर्थ टाइम इंटीग्रेशन ऑफ वी प्लस सो ऑन, ठीक है, अभी सो ऑन कहाँ खत्म होगा वो सम में देखें। नेक्स्ट साइन जीरो, ठीक है, टर्म्स आएंगे कुछ साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू होगी जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू होगी वन, साइन एन पाई, साइन के साथ पाई आया आंसर होगा जीरो, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पे एन पाई बाय टू एन पाई बाय थ्री, ठीक है, सिर्फ एन पाई, एन की जगह वन टू थ्री फोर कुछ भी आया आंसर क्या होगा जीरो, और कॉस एन पाई की वैल्यू होगी माइनस वन रेस टू एन। अब अगर बाई चांस यहाँ बाहर माइनस है तो माइनस माइनस को प्लस नहीं करना है, ये माइनस वन रेस टू एन एज इट इज ही रहने वाला है, ना ये माइनस साइन बाहर जाएगी तो ना बाहर की कोई माइनस साइन अंदर आएगी। अगेन एक आएगा कॉस टू एन पाई, कॉस टू एन पाई की वैल्यू होगी वन, कभी कभी यूज होगा कॉस एन प्लस वन पाई, उसकी वैल्यू डायरेक्टली याद रखिए माइनस ऑफ माइनस वन रेस टू एन। अब ये माइनस माइनस प्लस नहीं करना है, ये एज इट इज ही रहने वाला है, ये वाला माइनस अगर बाहर कुछ माइनस है तो उससे माइनस माइनस प्लस या माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। कॉस एन माइनस वन पाए, इसकी भी वैल्यू माइनस ऑफ माइनस वन रेस टू एन होती है। कुछ और फॉर्मूला है अब जब u इंटू वी अप्लाई होगा तो v का कंटिन्यू इंटीग्रेशन आएगा, और अगर फोरियर सीरीज के फॉर्मूलाज देखेंगे तो जब ए एन और बी एन आएगा तभी u इंटू वी अप्लाई होगा, और जब ए एन रहेगा तो स्टार्टिंग जो v रहेगा वो cos रहेगा, और जो बी एन रहेगा जो स्टार्टिंग v रहेगा वो sin रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।